अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम अंसारी। मेरा ताल्लुक़ है ऑयंग टाउन कराची पाकिस्तान से। तकरीबन 7 साल से मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हूँ। इस वक्त मैं अपना एक कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ जिसका नाम होम ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स कोचिंग सेंटर, जिसमें 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो पढ़ते हैं। और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी रन कर रहा हूँ जिसका नाम एम टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। तकरीबन अच्छी खासी बड़ी तादाद स्टूडेंट जिनके साथ मैं कनेक्टेड रहा हूँ, तो टाइम टू टाइम जब भी मेरी मुलाकात क्लास के अंदर होती है स्टूडेंट के साथ, तो मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है डिफेंस से, यानी कि जो पाकिस्तान मिलिट्री जिसमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्सेस शामिल हैं, तो इनमें कोई इसको कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो गो अहेड और अप्लाई करें। लेकिन कम से कम कोशिश ये करें कि अपनी एजुकेशन जो है एटलीस्ट उसको भी मद्देनज़र रखें। तकरीबन जो हमारा डिफेंस का तबका है इसमें दो तरह के लोग अपॉइंट हो रहे होते हैं, जिसमें एक तबका जो मैट्रिकुलेट के बाद अप्लाई करता है और एक तबका जो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करता है। तो जो तबका ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करता है या इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करता है, वो हमारे कमीशन का जो एग्ज़ाम कहलाता है वो उस पे उसके थ्रू जो PMA का कुल में जो ट्रेनिंग होती है उसके थ्रू सिलेक्ट होता है। और एक तबका जो सोल्जर जो हर यूनिट से हर डिपार्टमेंट अपने अपने अपॉइंटमेंट कर रहा होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी अभी तकरीबन कह सकते हैं 3-4 दिन पहले मेरी नज़रों से कुछ जॉब्स से गुजरी है जिसमें PMA लॉन्ग कोर्स से और सोल्जर्स की जॉब्स के बारे में ऐड थी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जो डिटेल में हो और वो अपने PMA लॉन्ग कोर्स के हवाले से भी हो और सोल्जर के भी हवाले से हो कि लोग किस तरह अप्लाई करें। बहुत से लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, या बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है लेकिन उनको पता नहीं है कि वो क्या करें। तो हर वो स्टूडेंट जो इस पर इंटरमीडिएट कर चुका है और जिसने 60% से अबव नंबर लिया है, ही कैन दे आर एलिजिबल एंड टू अप्लाई थ्रू जॉइन पाकिस्तान आर्मी वेबसाइट। नेम पाकिस्तान आर्मी वेबसाइट है और इसका जो एड्रेस है वो आपको गूगल में जो आप जाएंगे और वहाँ लिखें अगर जॉइन पाक आर्मी, सिंपल जो स्मॉल लेटर में जॉइन पाक आर्मी लिखेंगे तो पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट सामने आ जाएगी, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे वो स्टूडेंट जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुके हैं और ज्वाइन कर चुके हैं वो आल्सो भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो पॉसिबिलिटी होती है आप अपने डॉक्यूमेंट को रिटर्न ले सकते हैं। और वो लोग जो चाहते हैं कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें उसके बाद जाएं, तो वो थोड़ा सा वेट कर लें। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे सोल्जर तबका जो जो हमारे बच्चे मैट्रिकुलेट कर चुके हैं वो जाएं और जाके अपना वेबसाइट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करें और अपने जो आर्मी सिलेक्शन सेंटर जो नियरेस्ट है, ठीक है, चाहे वो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ औरंगी टाउन से रिलेटेड नहीं होगी क्योंकि जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो बहुत से लोग इसको देखेंगे। तो अब सिलेक्शन सेंटर का जो मसला है, सिलेक्शन सेंटर हर जगह है, चाहे वो कराची के रहने वाले हों, चाहे वो हैदराबाद के, चाहे वो पिशावर के, चाहे वो KPK से रिलेटेड हों, चाहे वो बलूचिस्तान से रिलेटेड हों, चाहे वो पंजाब से रिलेटेड हों, हर जगह आर्मी सिलेक्शन सेंटर का ऑफिस है। लाहौर वालों के लिए भी, पिंडी वालों के लिए भी है, मुल्तान वालों के लिए भी है, उस तरह जितने भी हैं आजकल इजीली इनके एड्रेसेस आपको पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जाएँ वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह की स्क्रूटनी करवाएं और वहाँ पे अप्लाई करें। तो क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप पे तमाम स्टूडेंट जो इसको देख रहे हैं मुझे, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को देख लें पूरा, ताकि जो मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना वो भी पूरा हो सके। तो चलते हैं किस तरीके से आप इस ऐड को ढूंढ रहे हैं और किस तरह अप्लाई करते हैं, आ जाए। ये इसको तो मैंने जॉइन पाकिस्तान आर्मी का जो वेबसाइट है वो उसको ओपन किया हुआ है, लेकिन फिलहाल इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद चलते हैं कि किस तरह इसको ढूंढा जा रहा है।
ये आपका जिस तरह जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र के साथ आप जाएं आगे। गूगल एक आसान सर्च इंजन है जिस पे आपको इजीली सर्च मिल जाएंगी। आप गूगल पे आके ज्वाइन पाकार्मी लिख दें तो खुद आपको उसके रेफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ज्वाइन पाकार्मी पे आप क्लिक करते हैं, ज्वाइन पाकार्मी पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बता रहा होता है, इजीली गाइड कर रहा होता है, जिससे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप वेबसाइट पर जाएँ, मे भी आपको वहाँ और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए। तो चलते हैं कौन से वेबसाइट से जाएँ। पाकार्मी भी क्लिक करते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से जो कि ओपन हो गई, ये एड्रेस का पाकिस्तान आर्मी डॉट गवर्नमेंट डॉट पिक है। यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन है, आर्मी चीफ है, फाइटिंग आवर हीरोज वॉर हिस्ट्री और उसके बारे में बताया गया है। तो आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, आपको मोटिवेशन के लिए काम आएगा। लेकिन कोशिश करें कि आप इस वेबसाइट से हट के वापस गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें ज्वाइन पाक आर्मी। ज्वाइन पाक आर्मी लिखेंगे तो फिर ये आपको एक एड्रेस देगा। जैसे ही आप एड्रेस पे क्लिक करते हैं आपको इस तरह का पेज सामने आ जाएगा। अब इस पेज के अंदर मुख्तलिफ तरह के टैब यूज़ किए गए हैं, जिसमें होम, इंडक्शन क्राइटेरिया, आर्मी सिलेक्शन सेंटर, कॉन्टैक्ट, फीडबैक और FAQ, जो कि आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आपको लाइव बताते हैं। इस पेज के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है आपका, कि जैसे आप इस पेज पे आते हैं तो इस पेज पे आने के बाद कुछ जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो इनको पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं वो इसको अपडेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी एक न्यूज़ चल रही है कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ PMA 145 लॉन्ग कोर्स इज़ 8 नवंबर 2019 और लास्ट डेट ऑफ सोल्जर रजिस्ट्रेशन इज़ 15 नवंबर 2019। यानी कि दोनों की चीज़ें अपडेट की हुई हैं। तो आप टाइम ज़ाया किए बगैर आप आएँ और इस पे आगे अप्लाई करें। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम होम पे जाते हैं। होम पे जाते हैं तो वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे सोल्जर, PMA लॉन्ग कोर्स और आर्मी मेडिकल कैडेट की लिस्ट भी लगी हुई है, यानी कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया था उनकी इंटरव्यूज की डिटेल है, वो लोग इस पर आगे क्लिक कर सकते हैं। और इस वक्त सोल्जर और PMA लॉन्ग कोर्स इस वक्त अभी आया हुआ है। तो इसके अंदर देखें क्या क्या है कि कोर्स की डिटेल आ रही होती है, कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा होता है और फिर जिस रजिस्ट्रेशन करवा ली उसके लिए एग्ज़ाम स्लिप आ रही होती है यहाँ पे। तो अभी इस वक्त जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो बच्चे जो इस वक्त NAD को ज्वाइन कर चुके हैं तो वो लोग मस्त इस चीज़ को देखें और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करें। और आप बड़े कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और एजुकेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट PMA में बहुत ज़्यादा है। आप लोग आएँ और बहुत अच्छी बात है, इसमें इसके अदर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मसलन के आपकी फैमिली को जो मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है वो नहायत ही अच्छे हॉस्पिटल्स में, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर अच्छी सैलरी भी मिल रही होती है छोटी सी, जो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जब आप पे अफसर बन के पास आउट होते हैं तो आपकी एक लाइफ स्टाइल होता है। तो और वो लाइफ स्टाइल जिसको लोग हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, तो आप में से लाजमी इसको अप्लाई करें ताकि आपकी फैमिली भी इससे फ़ायदा उठा सके और आपकी फैमिली के अंदर एक अच्छा चेंज आ सके। तो चलते हैं PMA 145 लॉन्ग कोर्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा है ज्वाइन पास आर्मी थ्रू PMA 145 जी, वही आगे चलते हैं। और कोर्स की जो डिटेल है उसके बारे में सबसे पहले हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक डिटेल जो कि PDF की फाइल है वो आ जाती है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं होती, वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। अब ये बता रहे हैं कि सबसे पहले बताते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि उन्होंने कहा कि हमें एज जो है कम से कम 1 मई 2020 तक की ये चाहिए। अब क्या एजुकेशन मांग रहे हैं, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। अगर जो बंदा इंटरमीडिएट है तो वो 17 से 22 साल तक की एज का अप्लाई, कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल। ग्रेजुएशन, अगर कोई बंदा है जिसने 2 साल ग्रेजुएशन की है और सर्विंग कर रहा है पाकिस्तान नेवी PF में, तो वो 17 से 23 साल तक की एज मैक्सिमम है। जो बंदा ग्रेजुएट हो चुका है, 4 साल की ग्रेजुएशन कर चुका है, जिसमें BS, BA और BBBBA, इस पर कोई शर्त नहीं है कि कौन सी फैकल्टी का है, सिर्फ और सिर्फ इसमें, तो उसकी एज की जो रिलैक्सेशन है 17 से 24 साल।
सर्विंग आर्मी सोल्जर, यानी कि कोई सोल्जर है वो अप्लाई करना चाहता है तो वो 17 से 25 साल तक की एज में अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इस पर फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है जेंडर मेल, यानी कि पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री अकेडमी की जो रिक्वायरमेंट है सिवा से मेल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड चाहिए होता है, और वो लोग जो सर्विंग कर रहे हैं आर्म फोर्सेज में ओवर 20 ईयर्स एज आर एलिजिबल, जो 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान चाहिए होता है, और जिनके पास डोमिसाइल पाकिस्तान का है, आज़ाद कश्मीर गिलगित और ये सारी चीज़ें। और इसमें एक मजे की बात ये बताते हैं कि अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विद ड्यूल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज अदर देन पाकिस्तान, यानी कि वो बंदा है जिसने अप्लाई किया है ठीक है और वो सिलेक्ट हो जाता है तो, और उसके बाद ड्यूल नेशनलिटी, तो उसको अदर नेशनलिटी जो है सिलेक्शन के बाद आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में मिनिमम हाइट और वेट की बात करते हैं, तो मिनिमम हाइट जो है 5 फीट 4 इंच, इससे नीचे जिसकी हाइट है वो अप्लाई ना करें। ठीक है, और अपने आपको डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आर्मी में चला जाए, कोई बात नहीं अगर आपकी हाइट कम है, अदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। वेट कहते हैं, तो वेट की जो मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया है इजीली पे मेडिकल से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेजेस में या आप गूगल पे जाएं, वो आपको आपकी वेट के हाइट के हिसाब से वेट बता देता है कि क्या आपकी वेट होनी चाहिए। एजुकेशन कह रहे हैं कि FAFSC इक्विवेलेंट। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कहते हैं कि जिनके 60% से ऊपर हैं FAFSC इक्विवेलेंट में वो अप्लाई कर सकता है। फिर सेकंड कहते हैं कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क अबव, वो बंदा जिसने जो ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर रहा है, उसके अगर 60% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो उसके कम से कम इंटरमीडिएट में 50% हैं तो वो एलिजिबल है आगे के लिए FSC में। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स FAFSC 55% मार्क्स फॉर द कैंडिडेट स्पेसिफाई, यानी कि कुछ एरिया जिसमें गिलगित बल्तिस्तान पाटा आज़ाद कश्मीर और मानसेरा के भी, जहाँ पे एजुकेशन की लिटरेसी रेट इतना नहीं है तो उनके लिए थोड़े से 55% एक रिलैक्सेशन, लेकिन जो लोग डेवलप एरिया में रहते हैं लाइक कराची लाहौर और इस तरह के जितने भी लोग हैं उनमें 60% ही आपकी एलिजिबिलिटी है। आगे आते हैं, उन्होंने लिखा है कि थर्ड पॉइंट सर्विंग आर्मी सोल्जर, वो बंदा जो आर्मी में रिक्रूट हो चुका है एज अ सोल्जर वो अप्लाई करता है तो उसकी 50% मार्क्स अगर FAFSC में तो वो एलिजिबल है। फिर कहता है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो फिर सर्विस इन पोजिशन डुप्लीकेट, जिनके पास डुप्लीकेट मार्कशीट है वो, और चाहे वो इंटरमीडिएट मेडिकल BA BSc के, तो वो कंसल्ट यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर होता है उनसे वो उसको वेरीफाई करवाएंगे, साइन करवाएंगे। जो ए लेवल कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% होंगे विदाउट सीकिंग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कैलकुलेट बाय IBCC, यानी एक बोर्ड है जो ए लेवल के स्टूडेंट के जो होते हैं उनको एक इक्विवेलेंट देख रहा होता है, तो वो कम से कम 60% क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इन एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन से लोग जो इन एलिजिबल होंगे, वो लोग जो दो दफ़ा ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ICSB, जिनको ICSB ने ICSB स्टैंड फॉर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो उनको अगर कैंडिडेट को दो दफ़ा ICSB ने अगर रिजेक्ट किया है तो वो इन एलिजिबल है, ट्वाइस स्क्रीनड आउट बाय ICSB, फिर दो दफ़ा अगर इसको स्क्रीन आउट हुआ ICSB ने किया तो वो भी इन एलिजिबल है, टेस्टेड विदिन 4 मंथ गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस इन ICSB, अगर 102 दिन यानी कि 120 दिन यानी 4 महीने कि ICSB ने इनको कोई टेस्टेड का कहा था, हाउएवर बार जो भी चीज़ें सिलेक्शन बोर्ड वगैरह जितने भी चीज़ें वो भी इनएलिजिबल कराते हैं, डिसमिस रिमूव डिबार्ड, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो वहाँ से डिसमिस होता है या रिमूव फ्रॉम सर्विस होता है या डिबार्ड उसको निकाला जाता है तो वो आर्म फोर्स में इंक्लूड नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग आर्म फोर्स यानी कि आर्म फोर्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं अगर वो जॉब करते हैं वहाँ से निकाले गए तो वो इनएलिजिबल है। कन्विक्टेड कोर्ट, अगर कोई कोर्ट ने किसी को मुजरिम करार दिया है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट, अगर किसी को मेडिकल बोर्ड ने अनफिट करा दे दिया तो वो भी नहीं कर सकता। डिक्लेयर मेडिकल अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस, किसी को हेपेटाइटिस BUC हो गया तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। विड्रॉ फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्स कॉलेजेस, और किसी ने अगर किसी आर्म फोर्स के कॉलेज को छोड़ा है तो वो भी नहीं कर सकता।
अगर किसी ने टेम्परिंग की अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट में तो वो भी नहीं कर सकता। अब रजिस्ट्रेशन और परमानेंट सिलेक्शन सेंटर, तो कैंडिडेट कैन आइदर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट बाई और बाई विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन सेंटर अकाउंट सेंटर, फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड। जो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है और विजिट भी कर सकता है आर्मी सिलेक्शन सेंटर अप्लाई करने के लिए। रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, अगर रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट कर रहा है, कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑन वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.in। डेट एंड टाइम होता है शेल बी इंटीमेटेड इंटरनेट विच एन इंडिविजुअल शुड हैव ईमेल अकाउंट। इस बात को लाजमी दिमाग में बैठा लें कि जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसके पास लाजमी ईमेल अकाउंट होगा, क्योंकि जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा उसके पास एक एडमिट कार्ड जो स्लिप है वो आ जाएंगी, वो बाई मेल आएगा। ठीक है, डेट वंस गिवन, और जो डेट एक दफ़ा आपको दे दिया जाएगा वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट अटेंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए, कैंडिडेट को लाजमी कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके टेस्ट होंगे वो ऑन कंप्यूटर होंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड आर्मी सिलेक्शन सेंटर, जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर रहा वो सिलेक्शन सेंटर के थ्रू कर रहा है। लेकिन कैंडिडेट मे रिपोर्ट टू नियर एस सी रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर। ठीक है, वो बंदा जो ऑनलाइन जिसके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है वो आर्मी सिलेक्शन सेंटर जा सकता है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाए, तो उनको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे और टेस्ट की डेट और रोल नंबर बताएंगे। शेड्यूल भी इसमें दे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन और प्रिलिमिनरी टेस्ट की क्या शेड्यूल है। रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी हेल्ड, जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट है, 8 नवंबर तक लास्ट डेट है। भाई ये अच्छा खासा लेट हो चुका है, जिन्होंने अप्लाई करना है वो जल्द से जल्द कर लें। ठीक है, सैटरडे संडे को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। टेस्ट की जो स्टार्ट है प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो 13 नवंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक ये टेस्ट होगा, सिवाय सैटरडे संडे और हॉलीडेज के। नोट क्या कह रहे हैं, डी टी सी सी कैंडिडेट हो अप्लाई फॉर पी एम एल विल आल्सो कंसिडर एज रिपीटर कैंडिडेट, यानी कि जिसने जो कैंडिडेट है टी सी सी का वो एज अ रिपीटर दोबारा अप्लाई कर। रिपीटर का मतलब ये होता है कि जिसने एक वन मोर देन वन टाइम अप्लाई किया हो उसको रिपीटर कहते हैं। रिपीटर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट कंसर्न ए एस आर सी 10 से 13 नवंबर, जो रिपीटर कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्मी सिलेक्शन सेंटर। अब इसके अंदर देखें सिलेक्शन जो प्रिलिमिनरी जो स्टार्टअप जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। रिटेन और इंटेलिजेंस टेस्ट, रिटेन इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश मैथ्स पाकिस्तानी स्टडीज साइंस एंड जनरल नॉलेज। इससे रिलेटेड जो है आपकी रिटेन और इंटेलिजेंस टेस्ट है। द कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन रिटेन इंटेलिजेंस टेस्ट विल अंडरगो फिजिकल मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है, जिन्होंने प्रिलिमिनरी टेस्ट क्लियर कर लेना है, और प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें उन्होंने बता दिया कि इंग्लिश मैथ पाकिस्तानी स्टडीज इस्लामिक और जनरल नॉलेज शामिल होगा, और जो बंदा सक्सेसफुल होगा उसको जो रिटेन और इंटेलिजेंस टेस्ट में सक्सेसफुल होगा उसको मेडिकल के लिए आर्मी सिलेक्शन सेंटर में बुलाया जाएगा। अब फिजिकल टेस्ट में क्या हो रहा है, द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ प्रीलिम सिलेक्शन। 1.6 किलोमीटर की रनिंग, 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपने करना है। पुशअप करना है 15 रिपीटेशन, पुशअप होना है। ठीक है, 15 रिपीटेशन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में 15 टाइम्स उसकी रिपीटेशन करना है। सिट्स अप 20 रिपीटेशन इन 2 मिनट्स, चिन अप करना है 3 रिपीटेशन इन 2 मिनट्स, डिच क्रॉसिंग 7.4 इंच इंटू 7.4 एंड 4 डिप। ठीक है, ये आपका फिजिकल टेस्ट है। अब जिन्होंने फिजिकल टेस्ट कर लिया उनका इंटरव्यू होना सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड एट आर्मी सिलेक्शन सेंटर एंड शॉर्टलिस्टेड बाय एसएसबी। जिन्होंने रिटर्न और इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, वो आगे आगे फिजिकल टेस्ट के लिए। जिन्होंने फिजिकल टेस्ट कर लिया फिर वो आगे आ जाएंगे आईएसएसबी के लिए। ठीक है, और सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको नोटिस रिसीव हो जाएगा आईएसएसबी के थ्रू, जो आईएसएसबी का अपना एक वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगा मे बी आगे डिटेल हो। आगे चलते हैं, फर्दर सिलेक्शन। कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड बाय आर्मी सिलेक्शन सेंटर विल बी कॉल्ड फॉर आई एस एस बी टेस्ट। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसके लिए सिलेक्ट हो चुका तो क्वालिफाई कर चुका है, तो वो आगे आई एस एस बी के लिए चला जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आई एस एस बी रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी कैरीड आउट एट नियर बाई, जो वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा वो आई एस एस बी खुद ही मैनेज कर रहा होगा, जो नियर है उनके सी एम एच होगा जो कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल कहलाता है। दी फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट जी एच क्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस।
फाइनल सिलेक्शन जो जी एच यू करता है ऑन द मेरिट बेसिस, ठीक है, जो इंडिविजुअल की अपनी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड फॉर एट पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री। अब ये सारा जो प्रोसीजर होना हो गया, ठीक है, जहाँ तक कि आपकी फाइनल मेडिकल भी हो गया सी एम एच बी आई एस बी के थ्रू, उसके बाद आपकी जी एच क्यू ने ओके कर दिया आपकी परफॉर्मेंस पे। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है जो कि 2 साल है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। ये एक ड्रीम है, ठीक है, जिसको ये मिलता है वेल एंड गुड, और बहुत मज़े की लाइफ है आप पे। इसकी एक थोड़ी सी झलक आप पे आजकल पाकिस्तान जो भी मीडिया है पाकिस्तानी चैनल पे डिफरेंट ड्रामा उसकी शक्ल में आप इसकी देख सकते हैं, जो आजकल पीएमए के हवाले से आ रहा होता है। अब क्या है कि 2 साल की तो इनकी ट्रेनिंग है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आर्मी सिलेक्शन सेंटर में, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट, एफ एस की ऐसी काफ़ी डिटेल है आप उसमें देख लीजिए, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज, 3 पासपोर्ट साइज फोटो में, और जो गैजेटेड अफसर से इसको आप अटैच करवाते हैं, ठीक है, और ओरिजिनल फोटोकॉपी लेटर वाइज, ये सारी डिटेल है इसको आप देख लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आर्मी सिलेक्शन सेंटर। आप खुद जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा पाकिस्तान नेशनल रिजाइडिंग अब्रॉड एलिजिबल कैंडिडेट रिजाइडिंग अब्रॉड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्रेनिंग सिलेक्शन, हाउएवर डिपेंड्स काफ़ी डिटेल है, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं जो डिटेल है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए। इसमें देखेंगे इस सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर करंट एंट्री आर मोर देन रिक्वायर्ड इंडक्शन द लेफ्ट कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट पीएमए लॉन्ग कोर्स एंट्री फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन मेरिट, ठीक है। इनकी अपनी एक प्राइवेसी, उन्होंने अपने प्राइवेसी के बारे में बताया है। फॉर फर्दर डिटेल उन्होंने जॉइन पाकिस्तान आर्मी डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के का एड्रेस दिया है, और नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन सेंटर का उन्होंने बता दिया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुलदार, बनू आकिल एंड डी आई खान। उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, और आई एस एस बी के लिए जो कॉल आउट नोटिस होता है उसके लिए एक वेबसाइट भी दिया है www.issb.com.pk, ठीक है। ये एक काफ़ी डिटेल था जो मैंने आपको बताया, होप के आपको ये वीडियो गाइड करेगी आगे के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि एक ब्लॉग मैंने बनाया है, ठीक है, जिसको mtechcomputer2017.blogspot.com, मतलब कि आप गूगल पे जाएंगे और लिखते हैं mtechcomputer2017.blogspot.com। इसके अंदर आप जाएंगे तो इसमें आपको इंटरटेनमेंट से लेकर आर्मी रिलेटेड ड्रामा, जॉब्स के हवाले से सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर पोर्टल में डाली, आप इसको विजिट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।